सो गाइज, ये मेरा इंस्टाग्राम है और ये आप अगर वीडियो देख रहे हो, ये लिंक मेरे बायो में। सो ये है ऑनलाइन अर्निंग की इन्फॉर्मेशन। आप अगर चाहो तो मेरे इंस्टाग्राम पे जाओ, परम रिएक्शन, एंड वहाँ पे जाके आप मेरा जो ये इंस्टाग्राम का लिंक है ये चेक करो एंड चेक द ऑनलाइन अर्निंग डिटेल्स। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगे देन यू गाइज कैन चेक माई इंस्टाग्राम स्टोरीज एज वेल एंड द हाईलाइट्स एज वेल फॉर मोर डिटेल्स। एंड देन यू गाइज कैन टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन एंड यू कैन स्टार्ट एंड दैट्स इट। दिस इज द straight information I'm giving you and you guys can go and check the video link and you guys can check that video. ये अच्छा है, इसे अलग कर दो, मैं दूसरे भी देखती हूँ। ये जिबा करने के लिए चेक कर रही हूँ। ये भी अलग कर दो, ये जहर के लिए डाल दिए। माशाल्लाह, बात सुनो, इन पर निशान लगा दो, ये बहुत सेहतमंद है माशाल्लाह। इसे भी मेरे पास लाओ, ये वाला सरदार के लिए अलग कर दो। शाबाश शाबाश, बहुत अच्छे। निशान लगा दो इन्हें, लगा दो निशान। जानवरों को और आप उन्हें कुर्बान करेंगी और आज रात आप अपना इंतकाम लेंगे, साथ ही दुनदार साहब कबीले की भाग दौड़ संभालेंगे। खाओ इसे, खाओ जब तक कि तुम्हारा पेट ना भर जाए, खाओ ताकि उस्मान मौत का मजा चख सके। जो भी उसका साथी है और उस दावत में शामिल होगा वो उसके साथ ही मर जाएगा। बस रात का इंतजार है मुझे। शाबाश, जल्दी खाओ। खिला दिया भाई, पूरा खिला दिया। मेरे लोगों, शादी का दिन है, मजे मजे के खाने पक रहे हैं। उस्मान साहब दूल्हा है और इनके दिल का चराग चल उठा है। ये अपनी दुल्हन के खेमे की चौखट पर आ गए हैं और हम अपनी प्यारी बेटी को अपने सर का ताज बना के रखेंगे।
जब हमारी बेटी बाहर आएगी तो हमारे उस्मान साहब खान होंगे। ए माशाल्लाह। ए माशाल्लाह। तुम्हारे हाथ हर काम महारत से पूरा करें। तुम्हारी जबान और तुम्हारी बातें मीठी हों और चेहरा हमेशा रोशन रहे। हमेशा अपने शौहर के साथ मुस्कुराओ। हमेशा तुम्हारे माल और रिस्क में बरकत रहे इंशाअल्लाह। तुम्हारी जबान कभी शुक्र से महरूम ना हो। हाय बिस्मिल्लाह। तुर्गुजर वो असली वाले का मस्त था ना, तो वो सबसे मस्त लगा था। और वो मस्त लगते थे ना, अरे उनका जो जट्टा था ना भाई, बड़ा सुपर मस्त था। देखा आपने कभी? उस्मान साहब ने क्या किया? उन्होंने शादी की और एक बड़े नजराने का इमाम किया। तो आ जाओ। और बाला खातून ने क्या किया? किसी को दुख दिया ना? किसी को तकलीफ दी ना? किसी को दुख दिया? उन्होंने बाला
सरकार उन्हें बहुत खुशी अता करे। दिस वॉज अ रिएक्शन ऑन कुरलुस ओसमान भाई साहब, क्या मस्त एपिसोड था ये। एंड अभी नेक्स्ट एपिसोड तो जबरदस्त होने वाला है, बेहतरीन होने वाला है, अप्रतिम होने वाला है। और क्योंकि जहरा खातून ने बकरों को जहर दिया है और जिस जहर से वो बकरे मरे हैं वही जहर से खाने वाले भी मरेंगे, तो अगर किसी ने बकरा खाया तो गया वो, तो कैसे बचेंगे सब, देखना है नेक्स्ट एपिसोड में। सो गाइस थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।